नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है मुंबई की राजनीतिक क्षेत्र में और मुंबई की फिल्मी दुनिया में। अच्छा लगा, हमारे हिंदुस्तान में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और आज साइंस एग्जीबिशन में जो हमारे आने वाला जो कल है रोबोटिक, तो उसका एक मुझे एक एग्जांपल और फ्यूचर दिखा। हमारे जो आजकल के बच्चे हैं बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत दिमाग है उन लोगों में, और मुझे हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखता है और ये देख कर मुझे बहुत खुश हुई। टीवी और पढ़ाई का ताल्लुक एक्चुअली बहुत एकदम ऑपोजिट है, और क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को पेरेंट्स मना करते हैं टीवी देखने से, पर अगर हर एक चीज़ की एक इम्पोर्टेंस है, तो अगर बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ये टीवी मीडियम इज़ गुड, आई गेस। मुझे ऐसा लगता नहीं कि अगर आप हर चीज़ को एक सही लिमिट में करें तो वो बुरा नहीं होता, और मुझे अच्छा लगा उन सबसे मिलके, और आई होप उनको भी अच्छा लगा हो, क्योंकि ज़्यादा भी पढ़ने से बच्चे बोर हो जाते हैं, तो उनके लिए ये एक मीडियम है जिनको उनको एंटरटेनमेंट मिलता है, तो मुझे खुशी है कि मैं आज उनसे मिली। हाँ जी, मैं अभी फ़िलहाल इवेंट्स कर रही हूँ, क्योंकि न्यू ईयर है और क्रिसमस है, दिसंबर इज़ अ मंथ ऑफ यू नो, जब नया साल आता है तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अभी मैंने एक दिवाली मेला इवेंट किया है मेरठ और देहरादून में, और इससे पहले मैं सितंबर में मेरा शो बंद हुआ है, मैं बिट्टी बिजनेस वाली कर रही थी एनटीवी पे, और बस मेरी दो मूवीज़ हैं जो मैंने की हैं, अभी तक रिलीज़ नहीं हुई हैं, और आई प्रे कि नए साल के साथ में वो रिलीज़ हों और आप लोग मुझे देखें बड़े पर्दे पर। मैं यही बोलना चाहूँगी कि खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जो लाइफ भगवान ने दी है उसको रोज़ थैंक यू करना चाहिए हम लोगों को, रादर देन वो चीज़ों की तरफ ध्यान देना जो हमें नहीं मिली, हमें शुक्रिया करना चाहिए जो हमें मिला है, तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो नए साल के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव, बी हैप्पी और लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। अच्छा लगा, मतलब इतनी यंग एज में मैं चीफ गेस्ट बनी हूँ, और मतलब ये सबसे हमें बहुत कुछ सीखने भी मिलता है, और मतलब जो लोग आए हैं उन्होंने इतनी मेहनत से ये सब मतलब साइंस एग्जीबिशन के लिए तैयारी की है, बहुत अच्छा लगा। टेबल टेनिस प्लेयर, मैं 4 साल से टेबल टेनिस खेल रही हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल भी खेल चुकी हूँ। अभी नेक्स्ट वीक मैं चंडीगढ़ ट्रैवल कर रही हूँ मैचेस के लिए, और फिर मतलब शाम को 6 days a week प्रैक्टिस करती हूँ मैं, बहुत मेहनत का काम होता है। पहले जब भी स्टार्ट किया था तभी पढ़ाई और खेल दोनों मैनेज होता नहीं था, पर मेरे पापा भी मुझे बहुत हेल्प करते थे पढ़ाई वगैरह में, और स्कूल भी मुझे छुट्टियाँ देती थी, वो भी थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा कम करते थे, तो सब मैनेज हो जाता था। पी वार्डमध्ये सायन्स एक्झिबिशन 6, 7 आणि 8 आज दुसरा दिवस आहे, पण या शाळेमध्ये उत्कृष्ट नियोजन केलेलं आहे, विद्यार्थ्यांचे ज्युनियर गट, सिनियर गट, पॉप्युलेशन, टीचिंग एड, ज्युनियर सिनियर और लैब का हर एक फ्लोर में पूरा प्रोजेक्टची मांडणी केलेली आहे, आणि विद्यार्थ्यांचा प्रचंड सहभाग आहे, पॅरेंट्सचाही सहभाग आहे, आणि इथे सर्व ठिकाणी आपल्याला मुलांच्या मेडिकलची सोय केलेली आहे आणि सगळ्या सुविधा उपलब्ध आहेत, आणि पी वार्ड दरवर्षी खूप उत्कृष्ट तऱ्हेने हे आयोजन करत असतं, आणि शिक्षण निरीक्षण कार्यालयाच्या मार्फतसुद्धा या वार्डला सर्व ठिकाणी चांगल्या प्रकारे उत्कृष्ट सायन्स एक्झिबिशनचं आयोजन हे पूर्ण केलं जातं। ते आमचे सगळ्यात गौरवार्य आर्यू सिंग
मैडम या सर्वानी हे जे प्रोजेक्टच नियोजन आहे वर्षानुवर्ष चालू आहे. मी जवळजवळ 27-28 वर्ष हे सायन्स एक्झिबिशन बघतोय आणि या सायन्स एक्झिबिशनमध्ये हरेक तऱ्हेनं इथे भिंतीसुद्धा फर्स्ट फ्लोअर सेकंड फ्लोअरचे पॅसेजमधले बोलक्या भिंती असतात आणि अतिशय उत्कृष्ट तऱ्हेने विद्यार्थ्यांचं हे सायन्स एक्झिबिशन कारण विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना आणि वाव दिला जातो आणि सायन्स विज्ञान प्रदर्शन हे असंच विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणारं हा पी वार्ड आहे. धन्यवाद. एंट्री केल्यापासूनच विज्ञानाच्या जगात आलो आहे असं वाटू लागलं. सर्वच गोष्टी इथे अगदी व्यवस्थित दिसल्या. येतानाचं स्वागत, प्रिन्सिपलचं आदरातिथ्य, त्याचबरोबर इथं असणाऱ्या बोलक्या भिंती, मुलांचं बोलण्याची पद्धत, सगळ्याच गोष्टी प्रभावी वाटल्या. विज्ञान प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त सहभागी करून घेतलं. भिंती, सर्व प्रकारचे मोकळे पॅसेज, ओपन स्पेस अगदी व्यवस्थित कव्हर केलेला दिसला. विज्ञानाशी संबंधित कुठलीही गोष्ट इथे शिल्लक राहिलेली दिसली नाही. पालकांना, विद्यार्थ्यांना, सर्वच येणाऱ्या अगदी शाळेशी संबंधित नसणाऱ्या व्यक्तींनासुद्धा प्रवेश देऊन अतिशय चांगल्या पद्धतीनं इथे मार्गदर्शन केलं जात आहे. खूप खूप चांगलं नियोजन इथे केलेलं दिसलं. पी वॉर्डमध्ये हे जे चांगलं चाललेलं प्रदर्शन बघून मनाला खूप समाधान वाटलं. अशीच यांची प्रगती हो अशी मी इच्छा व्यक्त करतो. धन्यवाद. हाँ, आज हमारा पी वॉर्ड का साइंस एग्जीबिशन का सेकेंड डे है और आज सारे प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन हो रही है और वार्ड को जो इवैल्यूएशन करना होता है ये हमारे सर सेंटर सर आए हैं और ये जितना हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और क्या नया हम करते हैं, ये हमारे वार्ड इवैल्यूएशन कमेटी और टीम ये यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं. और आज जो था वो सहशालीय उपक्रम का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था. इसमें जो भी स्टूडेंट्स और टीचर्स ने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में प्राइज़ जीते हैं उनको आज टीवी एक्ट्रेस विविधता उनके हाथों से प्राइज दिया गया. और कल की क्या कुछ तैयारियां हैं? कल थर्ड डे होगा और उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा साइंस एग्जीबिशन का. उसमें साइंटिस्ट हैं और बाइकला जू के जो डायरेक्टर हैं वो हैं और यहाँ के जो मैनेजर हैं कार्मल स्कूल के वो रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे और हमारे डेप्यूटी एजुकेशन इंस्पेक्टर नायकवाड़ी सर रहेंगे. तो कल फाइनल डे है और प्राइजेस शाम तक 6 बजे तक पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा और बेस्ट स्कूल के भी प्राइजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. पी वार्ड में 163 स्कूल्स हैं, उसमें से जो 3 बेस्ट स्कूल्स हैं